दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन रिज्यूमे राइटिंग करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षी मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि कैसे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप मेंशन कर सकते हैं अपना नाम उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन अपना मोबाइल नंबर अपना ई मेल और अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक दोस्तों लिंगड एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंगडन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंगड के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं दुनिया तो भर के एच और रिक्रूटर लिंगड के थ्रू अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एच या रिक्रूटर आपका प्रोफाइल विजिट करेगा और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है कई बार आपको बेहतर कंपनी से इंटरव्यू के कॉल आते हैं कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है तो हमेशा याद रखिए अपने रिज्यूमे में अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मैंशन करिए और लिंक पर अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को बेटर करते रहें आइए अब एक नजर डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर जो कि कुछ इस प्रकार है सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ सिविल इंजीनियर विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यहां पर इसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियर की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है जहाँ पर वो अपनी टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप अपने रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करते हैं प्रोफाइल समरी पर तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को सही तरीके से लिखकर आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं कैसे आइए देखते हैं पहले पॉइंट में देखिए कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आगे देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम लिखने के लिए ऑप्शन छोड़ा गया है उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा गया साउंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स मतलब कैंडिडेट को सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंडामेंटल नॉलेज है तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसको प्रोफेशनल नॉलेज है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की जो कि मैकेनिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि उसको स्ट्रॉग फंडामेंटल नॉलेज है मैथ्स फिज़िक्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स फिजिक्स और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की नॉलेज का होना उसके बाद देखिए उसमें लिखा हुआ है कि इसके पास में एबिलिटी है कि वो डेवलप कर सकता है या डिजाइन कर सकता है लेआउट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है उसके बाद देखिए लिखा हुआ है उसको फंडामेंटल नॉलेज है कि वो ब्लू को ड्रॉ कर सकता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने लिखा है कि वो एक क्रिटिकल थिंकर है और उसके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी में सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिविल इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट्स मैंशन होते हैं तो अगर आप अपने रिज्यूमे में ये अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन करते हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है कई बार आपका रिज्यूमे बहुत प्रोफेशनल दिखता है यहाँ पर एक एडवाइस मैं आपको ये भी करना चाहता हूँ अगर आपके पास कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड भी कुछ फाइन पॉइंट्स आप अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन कर सकते हैं अगर वो आपकी नॉलेज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो इस तरीके से अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिख के फ्रेशर होने के बावजूद भी आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशंसी की तरफ तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि इसको ऑटो कैट स्टार्ड प्रो थ्री डी मॉडलिंग और रेविट नाम के सॉफ्टवेयर्स पर अच्छी कमांड है वो उसमें प्रोफिशेंट है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चारों सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशेंसी के बारे में भी लिख सकते हैं इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक सर्टिफिकेशन है तो उसको भी आप सर्टिफिकेशन हेड के अंडर में लिख सकते हैं दोस्तों टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद बात करते हैं समर ट्रेनिंग की तो देखिए यहाँ पर समर ट्रेनिंग के बारे में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने किस कंपनी में कितनी ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नाम के टॉपिक पर न्यू दिल्ली लोकेशन पर अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट की लास्ट में देखिए समरी का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि समरी बहुत स्पेसिफिक लिखें जिससे जो भी रिज्यूमे आपका पढ़ रहा है उसको एक क्लियर मैसेज चला जाए कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग में क्या टेक्निकल चीज़ें सीखी इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर आप अपनी समर ट्रेनिंग डिटेल्स को लिखते हैं तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है और आपका रिज्यूमे बहुत प्रोफेशनल भी बनाता है इस तरीके का डिटेल मैंशन करना दोस्तों तो समर ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने उसी फॉर्मेट में मेंशन किया है अबाउट प्रोजेक्ट जहाँ पर कंपनी का नाम ड्यूरेशन टॉपिक जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक्स पर है लोकेशन भी मेंशन की और यहाँ पर भी समरी का ऑप्शन दिया गया है एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मेरे मेरी तरफ से यह एडवाइस है कि अगर आपने समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किया है तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं लास्ट में समरी जरूर मैंशन करें जिसमें ये जरूर मैंशन करें कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के दौरान क्या सीखा था क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है अगर आप इस तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत इम्प्रेसिव दिखता है आइए बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स की तो देखिए यहाँ पर पहला पर्सनालिटी ट्रेट लिखा गया है एनालिटिकल एनालिटिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का विश्लेषण करता है दूसरा जो पर्सनालिटी ट्रेट लिखा गया है वो है मेटिकुलस मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छोटी सी छोटी बारीक से बारीक चीज को जानना चाहता है उसके बारे में डिटेल पता करने की कोशिश करता है तीसरा है प्रेगमेटिक प्रेगमेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करना चाहता है थ्योरेटिकल तरीके से नहीं और चौथा पॉइंट लिखा गया है अडेप्टेबल एडेप्टेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है तो अगर आप गौर से देखें ये चारों पर्सनालिटी ट्रेड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होते हैं एक सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ अगर आप अपने रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेड्स लिखते हैं तो वही पर्सनालिटी ट्रेड्स लिखें जो आपको उस जॉब के लिए एक सही कैंडिडेट बनाने में मदद करते हैं बहुत जनरल पर्सनैलिटी ट्रेड्स को लिखने की ज़रूरत आपको रिज्यूमे में नहीं है आइए बढ़ते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में, में मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर वो अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम मेंशन कर सकता है 2021 में उसके बाद देखिए मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट किया था 2017 में उसके बाद मेंशन किया गया है कि उसने अपना हाई स्कूल किया था 2015 में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आनी चाहिए इसलिए दो सबसे पहले है और दो सबसे बाद में है यहाँ पर आप में से कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज या ग्रेड मैंशन क्यों नहीं किए दोस्तों क्या रिज्यूमे में परसेंटेज या ग्रेड मेंशन करने चाहिए क्या नहीं मेंशन करने चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक ऊपर मैंने आई बटन में दे रखा है आप वीडियो देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स की अचीवमेंट्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड कॉलेज इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्फेस्ट इन ईयर टू सॉरी uh, 2021 उसके बाद देखिए यहाँ पर uh, लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड कॉलेज इन इंटर कॉलेज ऑटो कैट क्विज कॉम्पिटिशन इन ईयर 2020 और उसके बाद लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड स्कूल इन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन इन ईयर 2016 अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखी गई हैं अचीवमेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ जब कभी भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं तो अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मैंशन करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें बिकॉज कोई भी कंपनी किसी भी कैंडिडेट को हायर करती है तो हमेशा ये ध्यान में रखती है कि उस कैंडिडेट के पास में एक साउंड पर्सनैलिटी हो तो केवल अपने आप को किताबों तक सीमित ना रखें अगर आपकी अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स में भी हो या आर्ट आर्ट्स में भी हो या क्राफ्ट में भी हो या किसी भी डोमेन में हो तो उसको मेंशन ज़रूर करें अपने अचीवमेंट्स में अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इसको मेंशन करना ज़रूरी रहता है बिकॉज़ आपका रिज्यूमे काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है और सामने वाले पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के कई पहलू हैं तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को मैंशन कर सकते हैं आइए बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपना नेम अपना जेंडर अपना डेट ऑफ बर्थ लैंग्वेज नोन परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप डिक्लेरेशन मेंशन कर सकते हैं जिसमें बेसिकली ये लिखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्यापित है पूरी तरीके से करेक्ट है नीचे डेट प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या उसमें हॉबीज़ लिखनी चाहिए या नहीं देखिए ये एक सैम्पल रिज्यूमर फॉर्मेट है जो बहुत स्पेसिफ़िक है इसमें उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है जो ज़्यादा स्पेसिफिक है अगर आप गौर से इस रिज्यूमर फॉर्मेट में देखेंगे तो मैंने उन सब चीज़ों पर पहले फोकस किया है जो टेक्निकल स्किल्स के अंडर में आती है इवन मैंने एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी बाद में जगह दी है तो बात आती है हॉबीज़ की आप इंटरव्यू देते हैं तो अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने हॉबीज़ को बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट में रिज्यूमे को स्पेसिफिक बनाने के लिए उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा मेंशन करें ज़्यादा तोज्जो दें जो आपके रिज्यूमे को बेहतर बनाने में मदद करती हैं तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को प्रभावशाली बना सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं आई होप ये फॉर्मेट आपकी बहुत मदद करेगा